नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 58 मिनट तक भाषण दिया, जिस दौरान कई बड़े बड़े ऐलान हुए। इस बजट में 4 सेक्टर्स पर खासकर फोकस किया गया, युवा, गरीब, महिलाएं और किसान पर फोकस किया गया, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बताते चले आपको कि जिस तरीके का बजट 2024 का आखिरी बजट सामने आया है, इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिली। इस दौरान वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देते हुए नजर आए, तो वही जय श्री राम और मोदी की जय हो के नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, पहले आपको वो सुने। सबसे पहले मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ा और आज जो बजट आया है, तमाम महिलाओं, माताओं, बहनों, छात्र छात्राओं, जिस तरीके से मेडिकल का जो बातें कही गई है, या कहीं ना कहीं आम जनों में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के घरों के अलावा जितने भी लोग हैं उनके घरों में आज होली, दिवाली, दशहरा मनाया जा रहा है और आज हम लोगों ने पार्टी दफ्तर के गेट पे हम लोग जश्न मनाने का कर रहे हैं। मोदी जी को जय श्री राम। है और सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान जो सबसे बड़ी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और जिस तरह के हर एक विषयों को ध्यान रखा गया है, चाहे वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर हो, या स्वास्थ्य से लेकर हो, या परिवहन से लेकर हो, या अन्य गतिविधियों से लेकर हो, सब में मोदी जी को सबसे पहले श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने जो जो वादे अपने किए थे, जो जो बातें की थी, उस पर हम प्रतिफलित करते नजर आ रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एक महिला सशक्तिकरण की जो परिभाषा है, जिसको सशक्त करने की जो बात हो रही है, उसके दरमियान अगर हम देखें तो एक महिला का ये बजट है। उन्होंने एक घर घर का बजट को निकाला है, और एक अनोखी बात इस बजट का ये है कि ये जो बजट आ रहा है वो आधे रूप से रहेगा। जब नई सरकार गठन होगी उसमें इसको और विस्तार मिलेगा। आज जो बजट पेश हुआ है, ये मोदी जी के द्वारा पूरे तरीके से ये दिखा दिया गया, जो मोदी जी भविष्य की भी चिंता करते हैं, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल को और सोलर पर फोकस किया गया है, वो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण का भी यहाँ पर स्थापना करके मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पर फोकस किया गया है। मोदी जी को जय श्री राम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रशंसा की है इस बजट की, और कहा है कि इससे गरीब गुरबों को काफी सहायता मिलेगी। इस बजट में गरीब और महिलाओं को खासकर नजर रखा गया है, इन सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। काफी खुश नजर आ रहे थे, ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे थे, तो वही एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। और साथ ही साथ कह रहे थे कि अब इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा, ऋण को बढ़ावा दिया जाएगा। जिस तरीके का बजट इस बार आया है वो काफी अच्छा बजट है, आम लोगों को काफी सहूलियत होगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कह दिया। बता दें आपको कि आज सत्र का आखिरी बजट पेश किया गया, इसको लेकर जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है, तो वही अन्य पार्टियों में नाराजगी देखी जा रही है, निराश देखी जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह चुनावी बजट है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो काफी खुश है इस बजट से। इस बजट के माध्यम से कई लोगों को फायदा पहुंचेगा, हमारे किसान भाई को फायदा पहुंचेगा, महिलाओं को काफी फायदा पहुंचेगा, और तो और इलेक्ट्रिक वाहन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।